गीता मानस समिति के तत्वावधान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नव निर्मित मंदिर में प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। कार्यक्रम के शुभारंभ को लेकर रविवार को शहर में भव्य शोभा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना कर गीता मानस भवन परिसर से किया गया। शोभा कलश यात्रा जयंती कॉलोनी, पल्टन एरिया, पार्वती कॉलोनी सहित अन्य प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस गीता भवन कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। भव्य शोभा कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर सम्मिलित हुई। जयंती कॉलोनी, इंदौर भोपाल सेकड़ा खेड़े रोड, पल्टन एरिया, सिंधी कॉलोनी चौराहा, पार्वती कॉलोनी में अनेक स्थानों पर नागरिकों के द्वारा पुष्पों की वर्षा कर कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। गीता मानस भवन परिसर में नव निर्मित राधा कृष्ण मंदिर में शिव परिवार, हनुमान जी, शीतला माता की प्रतिमाओं की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नगर पुरोहित पंडित पृथ्वी बल्लभ दुबे के सानिध्य में 11 ब्राह्मणों के द्वारा विशेष रूप से बनाई गई यज्ञशाला में विश्व शांति और प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुख्य यजमान श्रीमती विद्या प्रदीप बिजोरिया के द्वारा आहुतियां दी जाएंगी। शोभा भव्य कलश यात्रा में प्रमुख रूप से गीता माना समिति के विष्णु भरतिया, मोहन चौरसिया, बाबू भाई मिस्त्री, चंद्रभान यादव, सत्य नारायण शर्मा, राजमल गहलोत, शिव नारायण मेवाड़ा, जीडी उपाध्याय, गोपाल शर्मा, एचडी सक्सेना, कीर्ति पाल परमार, परलोक करधी, राजेंद्र राठौर, वल्लू पालीवाल, हरिचंद्र अग्रवाल, बाबू भाई मिस्त्री, गोपाल दास अग्रवाल, रवि ठकराल, दशरथ लाल शर्मा, राजमल गहलोत, प्रेम नारायण लोमानिया, बीपी तिवारी, सुरेश चंद्र वशिष्ठ, रामेश्वर दयाल शर्मा, डॉक्टर कैलाश अग्रवाल, श्याम सुंदर मोदी, अनिल शर्मा, सड़खेरकर, राजेंद्र जायसवाल, नंद किशोर जायसवाल, एसपी मालवीय, हरिओम उपाध्याय, कमल विजय वर्गीय, ओम दत्त मिश्रा, राम शरण ठकराल, एचडी सक्सेना, राजू जायसवाल सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण जन, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, श्रद्धालुगण सम्मिलित रहे। यज्ञशाला मंदिर श्री परिसर में पहुंचने पर ब्राह्मण जनों का पद पूजन किया गया। मुख्य यजमान श्रीमती विद्या प्रदीप बिजोरिया के द्वारा यज्ञशाला की परिक्रमा की गई। कलश यात्रा से पहले ब्राह्मणों के सानिध्य में कलशों की विधिवत पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। श्रद्धालुओं के द्वारा यज्ञशाला और नव निर्मित मंदिर का अवलोकन भी इस दौरान किया गया। आगामी 25 नवंबर गुरुवार शाम तक विभिन्न प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में पहुंचने के लिए गीता मानस समिति के द्वारा अनेक विशिष्ट जनों को आमंत्रण पत्र जारी किए गए हैं। इधर बाहर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनों के पहुंचने की संभावना बनी हुई है। गीता मानस समिति के द्वारा बाहर से और स्थानीय पहुंचने वाले अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। गीता मानस समिति के द्वारा खासतौर से शीतला माता मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर शीतला माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसके बाद जयंती कॉलोनी सहित पार्वती कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी, सुदेश नगर और आसपास के नागरिकों को विवाह के समय माता पूजन करने के लिए अधिक दूरी पर स्थित मंदिरों पर नहीं जाना होगा। वहाँ सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। नव निर्मित मंदिर में शिव परिवार भी विराजित किया जाएगा। गीता मानस समिति के द्वारा गणमान्य नागरिकों से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की गई है। आप जाते हैं।